डर आ गया और उसके बाद तथ्यहीन बातों पर भी लोग रिएक्ट करना शुरू कर दिया, तो अफवाह से हानि हो जाती है। तो मैं पुलिस अधीक्षक स्वयं अपने जवानों के साथ में गाँव में गलियों में मैं जा रहा हूँ ताकि लोग समझ सकें कि हमारी पुलिस बहुत मजबूती से काम कर रही है और किसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो शांति के लिए मार्च किया जाए। अभी तक गिरफ्तारी हुई है सर इस मामले में जो लोग को नामजद किया गया है गिरफ्तारी? देखिए हम लोगों ने दो कांड दर्ज किए और दोनों में हम लोग ने साक्ष्य इकट्ठा कर लिया है और अब हम लोग अतिशीघ्र निर्णय लेंगे क्योंकि तो शांति हमारी प्राथमिकता है, तो उसको देखते हुए हम सही समय पर सही कार्रवाई करेंगे।